पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी हर्ष फायरिंग के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला बस्ती का है, जहां हर्ष फायरिंग में दुल्हन की बहन गोली लगने से घायल हो गई। पूरा मामला गौर थाना के बगनान का है, जहां कसोदन धर्मशाला में कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दुल्हन की बहन गोली लगने से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार दूल्हे के जीजा ने हर्ष फायरिंग की थी, जिससे दुल्हन की बहन के पैर पर गोली लग गई। आनंद फानंद में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे सब लोग नीचे उतर रहे थे, वहाँ पे हवाई फायरिंग कर रहे थे। कौन कर रहा था? अरे बाद में उनका नाम पता चला है, मनीष तिवारी, बलरामपुर। तो शादी में ये घटना हुई? हाँ, शादी में, बमनान में। कहाँ पे गोली लगी? पैर। ये कौन है आपकी? उनको और जिन्होंने गोली चलाया जानते हैं आप उनको? नहीं, पहचानते हैं चेहरे से, नाम नहीं जानते हैं, बाद में नाम पता चला। वहीं हर्ष फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने दूल्हे के जीजा समेत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना गौर अंतर्गत कस्बा बभनान बाजार में बीती रात बाबा बागेश्वरनाथ मंदिर के बगल स्थित कसौधन धर्मशाला में एक शादी समारोह था, जिसमें वर पक्ष द्वारा हर्ष फायरिंग की गई, जिसकी वजह से वधू पक्ष में दुल्हन की चचेरी बहन शेफाली गुप्ता, पुत्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी रानी बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोंडा, के पैर के पंजे में गोली लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल थाना गौर की पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को तुरंत जिला चिकित्सालय बस्ती भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल की स्थिति खतरे से बाहर है। प्रकरण के संबंध में दो व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में थाना गौर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही प्रकरण में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है और अधिकारी जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।